हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगिड़ आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों एक बड़ा ही नॉलेज वाला वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी किस टाइप से आपको जो कूलर की मोटर होती है हमारी सिम्फनी कंपनी के कूलर की, उसको जाम होने पर जो उसके बुश शाफ्ट होते हैं किस टाइप से आपको चेंज करना है, किस टाइप से मोटर को खोलना है और किस टाइप से उसके बुश निकालने हैं, तो इसकी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो ये मोटर है सिम्फनी लिमिटेड अहमदाबाद की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो दोस्तों देख पा रहे हैं जिसमें RPM है 1400 और जो कैपेसिटर है 4 mm का है। ये दोस्तों 3 स्पीड की मोटर है जिसका कनेक्शन डाटा मोटर पर दिया हुआ है। ब्लू इसका कॉमन है, रेड ब्लैक और वाइट 3 स्पीड है इसके अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों इस मोटर को कंप्लीट आपको दिखाएंगे किस टाइप से आपको इसे खोलना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों ये इसका कैपेसिटर देखिए 4UF। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, फर्स्ट में इसके मोटर के चारों स्टड आपको हटा लेने हैं, मोटर से अलग कर लेने हैं। उसके बाद में जो ऊपर वाला कवर है साइड से थोड़ा हैमर मार के उसको निकाल लेना है। दोस्तों नीचे वाले बुश है जो इसका पीछे वाला, उसके अंदर साफ्ट जाम है बिल्कुल, तो उसको निकालने के लिए दोस्तों हमें काफ़ी सावधानी रखनी होगी। कवर निकलेगा नीच टाइप से हमारा कंप्लीट रोटर सहित, देखिए स्प्रिंग खींच रहा है उसका। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें शाफ्ट को अच्छे से साफ करना होगा फाइल या रेगमाल की मदद से, ताकि जो आगे वाला कवर है उसको हम आसानी से हटा सकें इस टाइप से। तो दोस्तों आगे वाला कवर हटाने के बाद में रोटर हमारा बाहर नहीं आ रहा है, तो उसे निकालने के लिए दोस्तों देखिए सीधा यदि हम इसको खींचेंगे तो हमारी मोटर की जो लीड है डैमेज हो जाएगी, तो उसके लिए हमें दोस्तों लीडों को अंदर की तरफ धक्का देना है थोड़ा थोड़ा करके दोनों को। उसके बाद में इस टाइप से बैक कवर सहित जो मोटर का बैक पार्ट है उसके सहित ही रोटर को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जो बुश पर हमें हीट देनी है, ग्लो लैंप हो या फिर आप किसी भी चीज़ से हीट दे सकते हैं जिससे आसानी से आपका बुश लूज हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी नुकीली कील या आप कोई भी ऐसा लोहे की रोड ले सकते हैं। इस टाइप से हम बैरिंग का यूज़ कर रहे हैं, बैरिंग को रख कर, ताकि जो बीच की डिस्टेंस हमारा जो कवर है सीधा रुक सके बिना पकड़े। उसके बाद जो लोहे की रिपट है इसको दोस्तों हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस टाइप से सभी रिपट हमको निकाल लेनी है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों जो एल्युमिनियम की रिपट होती है उनको हम काट कर निकाल देते हैं, बाकी जो लोहे वाली रिपट है उनको इस टाइप से निकालना होता है ठोक कर ही। ये स्प्रिंग है, उसके बाद में हमारा बूस है दोस्तों। ये फर्स्ट नमदा, उसके बाद में स्प्रिंग का जो सकड़े वाला हिस्सा है दोनों नमदे लगाने के बाद में इस टाइप से स्प्रिंग रख देना है। स्प्रिंग का चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है दोस्तों, जो कि और ऑयल के लिए जो हमारा पाइप दिया हुआ है इसमें उसको कटोरी के अंदर डालकर इस टाइप से हमें रिपीट लगा लेनी है इसमें।
एल्युमिनियम की रिपीट का यूज कर रहे हैं दोस्तों हम, इस टाइप से रिपीट को लगाकर कवर के अंदर प्रेस करके रोकना होगा। दोस्तों फर्स्ट में आमने सामने की दो रिपीट लगा लें, उसके बाद में आसानी से सभी रिपीट लगा लेंगे। रिपीट लगने के बाद में दोनों कवर में इस टाइप से ऑयलिंग करेंगे हम। आसानी से दोनों लीडों को बैक कवर में डालेंगे। उसके बाद में जो हमारे पीवीसी वाशर और सेपरेटर हैं उसको सेट करके रोटर को पहले पीछे वाले कवर में लगा देंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, पीवीसी के वाशर का ज़रूर यूज़ करना है आपको, वाइट वाले, जिससे कि हमारे बूस जाम नहीं होते हैं और मोटर के अंदर प्ले भी ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये वाशर हैं जो कटते नहीं हैं। दोस्तों ऑयल के जो छेद हैं दोनों एक साइड में रखकर मोटर एकदम ओके है। स्टड हम चारों नए लगाएंगे इसके, क्योंकि चारों स्टड डैमेज हो गए थे इसके, काट कर हमने या तोड़ कर निकाले थे। तो दोस्तों चारों स्टड इसके चेंज कर देंगे हम। आमने सामने के दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बूशाफ्ट आपको MSP के जो ओरिजिनल आते हैं वही यूज करने हैं, जिसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे MSP के बूस्ट चलते हैं, तो MSP का ही आपको यूज़ करना है दोस्तों। स्पीड कॉइल पर डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी है, वरना आपकी मोटर जल जाएगी। तो जो ब्लू हमारा कॉमन है, अर्थिंग चेक करेंगे, मोटर एकदम ओके है। दोस्तों यदि मोटर चलने में कोई परेशानी करती है आपको चेक कर लेना है, ब्लू वायर से सभी वायर में कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए, कैपेसिटर हटा कर भी। तो दोस्तों मोटर चलाकर चेक करेंगे, देखिए एंटी क्लॉक घूम रही है मोटर। ये हमारा सेकंड, ये थर्ड। दोस्तों तीनों स्पीड एकदम प्रॉपर काम कर रही है। दोस्तों इस टाइप से आपको मोटर को कंप्लीट कर लेना है। ये जो हाई स्पीड है ब्लैक वाली, तो उस पर चलाकर हम इसे मोटर की शाफ्ट को और अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि शाफ्ट हमने चेंज नहीं की है इसकी, शाफ्ट क्योंकि शाफ्ट बिल्कुल ओके थी। सैंड पेपर लेकर अच्छे से बिल्कुल शाफ्ट नई की तरह हो जाती है दोस्तों, ताकि हमारी जो पंखड़ी है इसकी ब्लेड अच्छे से सेट हो सके। तो दोस्तों इस टाइप से मोटर को कंप्लीट कर लेना है, शाफ्ट भी एकदम नई की तरह हो गई है। तो दोस्तों मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है एकदम ओके। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों सिम्फनी कंपनी कूलर की मोटर है ये, तो मोटर कंप्लीट हो गया हमारा। और कोई आपको नॉलेज लेनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।
तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं हम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।